नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और साइकिक रीडर हैं। नाज़रीन आप हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रोग्राम्स देखते हैं, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, लेकिन 2024 जिस पे सबकी नज़र है वो आ रहा है। दाऊद जी, दाऊद का अपना एक इल्म है, उस हवाले से ही हमें बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नामों के हवाले से भी हमें बताएं, क्योंकि 2024 में हम आज बहुत मुनफरिद टॉपिक करने लगे हैं, क्योंकि हर बंदा अपने बारे में जानना चाहता है कि जी हमारा 2024 कैसा है। अगर मैं भी हूँगा तो मैं भी कोशिश करूँगा मेरे बारे में मुझे पता लगे। तो दाऊद जी, दाऊद से आज नाम की कंपेटेबिलिटी देखेंगे, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे कारोबार में तरक्की हो, या आपका बिजनेस में आप जो कारोबार का नाम रखते हैं उसका अल्फाबेट स्टार्ट वाला कौन सा होना चाहिए, जैसे ABCD, मतलब जो भी नाम है किसकी कंपेटेबिलिटी किसके साथ होगी, बिजनेस हो, ये सारी बातें हम दाऊद जी दाऊद से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, खुशनसीब 10 नाम, मतलब 2024 में बहुत से लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रा आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझते भी हैं, फॉलो अप भी करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि क्या होगा 2024 में, कौन सा नाम, मतलब किसके साथ कंपेटिबिलिटी है, चाहे बिजनेस, शादी, ये वो। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ आपने समझनी है, कि जिस बंदे का नाम अलिफ से शुरू होगा और मीम से शुरू होगा, उसके ऊपर वैसे ही बरकतें होती हैं। अच्छा, ये वो आसमानी नाम है। यहाँ पे मैं एक नामों से ही जो है एक एग्जांपल लेता हूँ। दुनिया में सबसे अफजल तरीन नाम अहमद का है। अहमद, क्योंकि ये आसमानी नाम है और ये नाम रखा गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये आसमानी नाम है, ये बुज़ुर्गों के पास हम बैठते हैं ना, वहाँ से फिर बात निकलती है। वो कहते हैं जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आसमान के ऊपर सबसे बड़ा तोहफा मिला था, वो नमाज का था। नमाज का। अब मैं अहमद नाम को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो नमाज का जो पहला रुकन है वो खड़े होना है, अलिफ, और अहमद का अलिफ खड़ा है। नमाज का दूसरा रुकन रुकू है, हे रुकू की हालत में है। नमाज का तीसरा रुकन सजदा है, सजदा, मीम सजदे में है, और दाल तशहद है, और नाम का दाल और नमाज का दाल तशहद मिलता है। ठीक है, पूरा नाम अहमद ऐसे ही है, नमाज है, नमाज, ठीक, और नमाज है आसमानी तोहफा। बेशक, तो बेहतरीन नामों से माखूस अहमद, और इससे भी आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी और दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नाम। अब आपने मुझे ABCDEF तक करना है, ठीक है, और मैं एक एक कार्ड निकालता जाऊंगा, ठीक है, और 2024 में हमने देखना है कि ये वाला नाम किस किस खसूसियत का हामिल रहेगा, ठीक है, उसकी क्या क्या खासियत होगी। यानी कि अगर आप ए बोलेंगे तो ए की खासियत मैं टैरो कार्ड से निकाल दूंगा, जैसे उसमें मेल फीमेल दोनों होंगे, दोनों, ए से अहमद, ए से मतलब फीमेल में, हाँ, देखें तो अरूज दोनों, भी है, दोनों, अगर ए से जो अरूज लिखते हैं, कोई यू लिखते हैं, कोई ए, जो जिस नाम से लिखते हैं उस नाम से उसकी 2024 के मुताबिक खासियत मैं आपको बता दूं कैसा रहेगा नाम के हवाले, नाम के हवाले से, ठीक हो गया। सबसे पहले ए पे हम लेंगे, हाँ जी, ए से जैसे अहमद दाऊद भाई ने बताया, उसके अलावा अरीबा फीमेल में नेम हो सकता है, आयशा हो सकता है, तो ये जिनके नेम्स हैं वो लोग ए से जिनका स्टार्ट होता है। हाँ। ये कास्ट भी कई लोग स्टार्ट में लगाते हैं, वो नहीं, जो आपका अपना नाम स्टार्ट वाला है वो ए से अगर है तो वो लोग हाजिर हो, चेक करते हैं टैरो कार्ड से 2024 आपके लिए कैसा रहेगा हर लिहाज से। तो देखते हैं जी, ए जो है 2024 में ए क्या काम करेगा, ए के लिए क्या खासियत रहेगी। बड़ा डिफरेंट, बिल्कुल हटके है ये टॉपिक। तो ए की खासियत 2024 में, ए वाले लोग किस खासियत के हामल नजर आते हैं, एक कार्ड सकते हैं। तो जनाब, आपको पहले कह दिया ना अलफ, अलफ ए, तो खुशियां, जो लोग ए वाले हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी होगी, ठीक है, जिनके केसेस हैं, जजमेंट, मोहब्बत, प्यार लोगों के साथ, यानी कि खुशियां इनके जो है वो दहलीज पर होंगी। अच्छा, कामयाबियां इनको मिलेंगी ए वालों को, और जिनकी शादी में औलाद का इशू है वो भी कवर होगा, कवर होगा। तो यानी कि काफी चीजें
जो है ये आसमान से बड़ी गैबी मदद होगी ये वालों के लिए, मदद बड़ी गैबी मदद, आसमानी मदद, बहुत कमाल के इंजॉय करेंगे ये वाले। अच्छा, इसकी कंपैटिबिलिटी वैसे ए की किसके साथ होती है? अभी तो कंपैटिबिलिटी के एक लंबी सीरीज ए की बी से क्या होगी, बी ए की सी से, ये हम लैदा करेंगे, ये आप उतारेंगे 2024 ए का कैसे, ए का कैसा गुजरेगा, ठीक है। और ये भी आपका ए बी सी डी तक बहुत लंबी वीडियो बन जानी है, बहुत लंबी, जेड तक जाएगी, जेड तक जाएगी। चलें और इसके अलावा ए से और भी काफी ए वाले, हाँ जी, ए वालों के मुताबिक ये है कि इनको आसमानी काउंसिल में बड़ी जबरदस्त मदद होगी, इनकी रूहानियत बड़ी जबरदस्त होगी। अच्छा। अगर इनको वीजे के इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, और जिनकी शादी के इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, कामयाबियाँ इनका मुकद्दर होगी, इम्तहान में कामयाबी, तुलबा तालबात की कामयाबी, खैर बरकत, और काफी हद तक अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ। एहतियात पानी से करनी है, पानी जो है वो ज्यादा भी पिए, और अगर कोई समुद्री सफर हो तो एहतियात करें, एहतियात करें। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या देखते हैं, कोई मतलब के सदकात वगैरह इन्होंने क्या देने? देखें, अगर ए वाले लोग हैं तो ये पानी का ही सदका दें, और किसी पानी का सदका, और ब्लैक कलर की किसी चीज का, और आपको पता है सबसे अफजल सदका पानी का ही सदका है, पानी का ही सदका, तो ये पानी का आ रहा है, सदका दे। ठीक है जी, ये ए वाले हजरात थे। अब हम चलते हैं बी से, जिसका नाम है जैसे बासित है, बुशरा है, बेग्स, बेग तो कास्ट आ जाती है मतलब के, और भी बिलाल है, तो उनका देखते हैं जो बी से पूरी दुनिया में लोग हैं, उनका अगर बी से नाम बनता है तो उनका 2024 कैसा गुजरेगा? तो देखते हैं जी 2024 बी से शुरू होने वाले अदाद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो बी वालों के लिए 2024 एक ही कार्ड से कैसा रहेगा, तो बी वालों के लिए बड़ी जबरदस्त शुरुआत है, द फूल निकला ये कार्ड, बिगनिंग है, अच्छा बिगनिंग है, आगाज है। और अगर हम 2024 को, मैं साथ साथ न्यूमरोलॉजी का भी यूज करता हूँ, 2024 को मुफरद में तब्दील करें तो 8 का आदद है, 8 का आदद, और बी को हम इल्मुल अदा से देखें तो 3 का आदद है, 3 का हाउस 8 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगाज है, नया आगाज है, और बिगनिंग है, कामयाबी है, लेकिन हासदीन आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, दुश्मन आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं, वो आपको कामयाब नहीं होने देंगे, मगर कुदरत की देवी आपके ऊपर मेहरबान है, और आप कोशिश करें कि 2024 में दिन के वक्त ज़्यादा काम करें बनिस्बत रात के वक्त, ठीक है। और पैसों के इशू सॉल्व होंगे, और सूरज की किरणें आपको कामयाबियों की तरफ धकेलेंगी। इस पूरे साल में येलो कलर का सदका, आप कपड़ों का सदका भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए आसानियों के रास्ते खुलेंगे, गुलाब का फूल आपके लिए इस साल बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, और सिर्फ हासदीन से बचना है, ओवरऑल काफ़ी हद तक आपको बी वालों को कामयाबियाँ मिलेंगी, कामयाबी। अच्छा, जो बाहर जाना चाहते हैं बी वाले वो भी जा सकते हैं, जरूर, आसानियाँ हैं, रास्ते हैं, बिगनिंग है, आगाज है, नई शुरुआत है, हाँ जी। और घर कोई रेंट पे है, अपना लेना चाहते हैं, जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह जो है इनके साथ मेहरबान नजर आता है, सूरज भी चमक रहा है जी, कामयाबी। अच्छा कार्ड है जी बी वालों का, ये कार्ड देख लें, बहुत जबरदस्त निकला है। चलें जी, दो कार्ड तो बड़े अच्छे निकले, अब सी की तरफ आते हैं, जैसे चौधरी साहब हैं, तो मतलब इस तरह सी से जिन अल्फाबेट्स जिनका नाम स्टार्ट होता है, तो वो देखते हैं उनका 2024 कैसा, तो सी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। सी जिनका नाम का पहला अदद सी से शुरू होगा, तो सी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, 2024 सी वालों के लिए कैसा रहेगा, 2024 सी वालों के लिए कैसा रहेगा। सी वालों के लिए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, प्रेशर रहेगा, इनको एहतियात करना है, ये कार्ड है प्रेशर, दबाव, टेंशन, लड़ाई, झगड़ा, मुश्किल और परेशानी, नेगेटिविटी, लोगों से बहसों तकरार ना करें, ठीक है। खासकर अगस्त का महीना, अगस्त का महीना, ठीक है, सी वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जिसका सी से नाम स्टार्ट हो, जिसका नाम अग्रेसिव नजर आते हैं, ठीक है, और इनको जरा एहतियात करनी है इस साल, इस साल एहतियात करनी है, 2024 किस चीज से एहतियात ज्यादा करनी, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, अच्छा, लोगों से बहस नहीं करनी, बड़े सुकून से मामला चल रहे हैं तो चलाएं, ठीक है, सुकून से चलाएं, पंगा नहीं लेना, लोगों से पंगा नहीं लेना, पंगे से मसले खराब हो जाएंगे, ठीक है, यानी पंगे से बचना है, सी वालों ने एहतियात करनी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, सी वाले जरा एहतियात करें, और अब चलते हैं डी वालों की तरफ, और उनका देखते हैं 2024 डी वाले, तो आपका भी है दाऊद जी, दाऊद
तो देखते हैं डी वालों का क्या, डी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। एक ही कार्ड से निकालते हैं, डी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। वाह, वही कार्ड निकला है, ए वाला कार्ड निकला है जी। जी, आपके लिए आसानियां, खुशियां, खैर बरकत, कामयाबियां और जजमेंट, अल्लाह ताला आपका साथ देंगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियां, पैसे मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि नेगेटिविटी कम, बल्कि आपका मूड बहुत रिलैक्स रहेगा, आपकी फैमिली आपका साथ देगी, आपके घर वाले साथ देंगे, आपके बीवी बच्चे अगर हैं तो वो बहुत आपके साथ खुश रहेंगे, और अगर आपकी शादी में रुकावटें हैं तो शादी की रुकावटें भी दूर होंगी। अच्छा, मेल फीमेल दोनों का, दोनों के लिए, दोनों के लिए ओवरऑल जो नाम डी से शुरू होगा ठीक हो गया। जैसे दानियाल है, दानिया है, इस तरह मतलब मुख्तलिफ नाम है। अब हम चलते हैं ई की तरफ, ई से जिनका नाम स्टार्ट होता है, वैसे ई से किसका नाम स्टार्ट होता है, ई कॉमर्स होता है। तो देखते हैं जी, ई वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। ई वालों के लिए 2024 का एक ही कार्ड, कार्ड ऑफ द ईयर, ई वालों के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा। यूनिक वीडियो आपने बना ली है, यूनिक वीडियो बना ली है, ये किसी ऐसा टॉपिक आपने, ईरज भी ई से है। देखे जी, ये धोखे से बचे, इनको किसी लड़की से या लड़के को, लड़की से और लड़की को लड़के से धोखा मिल सकता है, पैसों का धोखा मिल सकता है, 2024 में चीटिंग हो सकती है, और सेहत का ख्याल रखें, लोगों के ऊपर भरोसा ना करें और अपने ऊपर एतमाद करें। अगर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को पैसे ना दे के फंसा बैठें, और सेहत खासकर वॉक ज़रूर करें, अपने कामों के ऊपर फोकस करें, लोगों की बातों में नहीं आना, प्रेशर नहीं लेना, अपने अंदर के विजन को देखना है। और ऐसे एक मैं वीडियो आपसे बनाऊंगा, मैसेज ऑफ दिस ईयर, हाँ वो भी करेंगे ठीक है। तो ये तो अब इसके ऊपर हम अल्फाबेटिक कर रहे हैं, ये अभी हमें तो फिर मैं चाहूंगा आप दिखा दें जरा जी, ये आपके लिए कार्ड है, चीटिंग का कार्ड होता है जी, नेगेटिविटी आ सकती है, लोग धोखा देंगे, धोखा देंगे। चलें जी, ई वाले लोग जरा एहतियात करें। अच्छा, जो जो अपने नेम का है ना, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में हमें बताए जी, जिसका नाम है, जो ए से है या बी से है, सी से है, वो सब अपने नेम कमेंट्स में लिखे। फिर हम एक वीडियो बनाएंगे हर नाम के अदद का सदका और हर नाम के अदद का वजीफा, कमेंट करेगा नहीं, वो हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। ए वालों को पूरे साल क्या सदका देना चाहिए, बी वालों को पूरे साल क्या सदका देना चाहिए, सी वालों को क्या देना चाहिए, उनका वजीफा और उनका अदद और प्लस उनका मुअक्कल का जो भी उनका आएगा वो हम बताएंगे। एक लंबी वीडियो, अभी यही वीडियो आपकी 30-35 मिनट में जाने। अब देखते हैं एफ वाले लोग, एफ वाले बारी आ गई। अब फलक है, फातिमा भी हो सकता है, मतलब फीमेल में अगर फरहान, फलक, फातिमा, फरा मतलब बेतहाशा नाम है। तो एफ वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, कैसा रहेगा तो देखते हैं जनाब, अभी नाम बीच में ही है। हाँ जी, तो एफ वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, 2024 एफ वालों के लिए कार्ड की नीति क्या कहती है। देखिए जी, आप माली तौर पे मुस्तहकम नजर आते हैं, किंग ऑफ, ठीक है, किंग ऑफ क्या है, किंग ऑफ वांड्स। अच्छा, दूसरा ये कि आप एक बहुत बड़ा फैसला करने लगे हैं 2024 में एफ वाले, और 3-4 ऑप्शन आपके पास नजर आएंगी। अच्छा, जो आप कर सकते हैं, जैसा कि एक काम है, उस काम से आप पैसे कमाएंगे और आप कहेंगे कि इस काम से मैं गाड़ी ले लूं, इस काम से जो आपके पास पैसे आएंगे मैं कोई घर में कोई घर किस्तों में ले लूं, या मैं कुछ, यानी कि जहां से आपकी कमाई आएगी वो कमाई मुख्तलिफ जगहों पे लग जाएगी। इधर काला सा वो ये बिच्छू भी बैठा हुआ है, वो आपको नजर लगेगी, नजर आई ये आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है ना, वो लोग आपके ऊपर निगाह रख के बैठे होंगे, वो आपकी तरक्की से नाला नजर आते हैं। कौन मतलब अपने के आप है? नहीं, वो आपके अपने ही घर के इर्द गिर्द के लोग होंगे, फैमिली के लोग होंगे, ठीक है। और लेकिन कुदरत की देवी आप पर मेहरबान नजर आती है। एफ वाले लोग कार्ड देख लें, जैसे कि एफ से जिनका नाम स्टार्ट होता है 2024, तो जबरदस्त है, मतलब माली तौर पर मुस्तहकम, फैमिली में आपकी अहमियत को गर्दाना जाएगा, आपके फैसलों को अहमियत होगी और आप
आपका लिबास उठना बैठना ज़बरदस्त हो जाएगा, आप अपनी शख्सियत पे तवज्जो देंगे, आप अपने खाने पीने पे तवज्जो देंगे, आपका बादशाहों वाला स्टाइल नज़र आता है। क्या बात है, 2024 यानी बबर शेर वाला एम शहजाद याद आ गए इधर, मतलब कि अच्छा चलेगा जी। ऐसे ही देखते हैं वैसे एम शहजाद साहब की वीडियो। मेरा अपने बड़ों के अलावा अल्लाह के अलावा कहीं ध्यान ही नहीं जाता, इसी चैनल पे होती है ना, तो मैं शायद अभी नजर पड़ गई। मैं सिर्फ अपने बड़ों को रोनी तौर पे देखता रहता हूँ। चले ठीक हो गया, अब हम चलते हैं जी की तरफ। गजाला गुड़िया जिनके नेम है जी से, और मर्दों के भी एक जी से नाम वैसे क्या होंगे, गुज्जर साहब को ही होगी। कास्ट आ गया। अच्छा कास्ट भी चलेगी। नहीं नहीं मैं तो वो ये कि जिसका नाम जी से, पीछे कोई लोग हंस रहे हैं मतलब वो नाम ना समझे, जी से नेम अपने जिनके नाम है जी। ऐसे ही चलें देखते हैं जी से जिनके नाम है तो वो कौन कौन से तरक्की पाने वाले हैं 2024 में, क्या हालात रहेंगे, कार्ड उनका क्या कहता है। जी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, तो लफ्ज इंग्लिश का और साल 2024 जी वालों के लिए 2024 का कार्ड ऑफ द जी, 2024 कार्ड ऑफ द जी 2024 कैसा रहेगा, बचना है जी टेंशन नेगेटिविटी प्रॉब्लम, और खासकर मई का महीना ठीक है ये तलवार टूटी भी है, ये पता नहीं जमीन पे फेंकी हुई है। देखें लोग इनको धोखा देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है जी वालों को, और ये बच जाएंगे फिर भी। अच्छा मगर जिस तरह बंदा 5 काम करता है जिसमें 2 कामों में नुकसान और 3 कामों में बचत हो जाएगी, 50-50 के मामलात रहेंगे। और ये नहीं भरोसा ना करें आप लोगों पे, बिल्कुल इतमाद ना करें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपनी इनर अंदर की ताकत को देखें, आप अपने मामलात को बचाने के लिए रूहानी मामला से मदद लें, ठीक है, क्योंकि रूहानियत से ही आपको बचाएगी। नेगेटिविटी जो है वो आपके कामों में रुकावट नजर आ रही है जी 2024 में, अच्छा नहीं है, यानी कि जी के लिए 50-50 है मगर नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। जी वाले लोग जो नीचे कमेंट में बताएं ताकि हम दाऊद भाई से पूछें भी के क्या इनकी रेमेडी है, हमें पता लगे कौन कौन सा अल्फाबेट हमें देख रहा है। अच्छा जी अब एच की तरफ चलते हैं, एच से हाशिम जो है मतलब एच से जिन जिनके नाम है, देखते हैं कि उनका 2024 एच वाला कैसा रहेगा। एच वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, जिनका नाम का पहला लफज एच जो है उससे शुरू होगा, तो एच वालों के लिए 2024 का कार्ड ऑफ द ईयर क्या होगा जनाब। तो कार्ड ऑफ द ईयर है कि जी हमाद का भी है जो एडिट करता है। देखिए जी आप अपने आप से लड़ेंगे, आप अपने आप से फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को मुश्किलों से निकालना पड़ेगा, आपको बहसों तकरार से बचना पड़ेगा, आपको अपने आप से जंग करनी पड़ेगी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। किस्मत की देवी की बजाय आपको खासकर अपनी मेहनत पे भरोसा करना पड़ेगा, हालात को बेहतर करने के लिए आप स्ट्रगल करेंगे। कार्ड भी मैं चाहूँगा दिखा दें, ये कार्ड निकला आपका, और ये मतलब मेहनत करने वाला, मतलब लड़ाई हो रही है और ये फाइट बहस नहीं करनी, घर में नहीं लड़ना, अपने वालदैन से नहीं लड़ना और अपने रिश्तेदारों से नहीं लड़ना और अपने आप से नहीं लड़ना, बिल्कुल न्यूट्रल होके गुजारना है, ठीक है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। एच से अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो क्या करे, वो अपनी जुबान को कंट्रोल करे, जुबान को कंट्रोल करे, ये मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं आई की तरफ जी, और देखते हैं कि आई वाले जो लोग हैं जिनका नाम आई से स्टार्ट होता है तो उनका 2024 कैसा है। तो देखते हैं जी आई वालों का 2024 कार्ड ऑफ द ईयर, 2024 आई वालों के लिए कैसा गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई वालों के लिए 2024 कैसा गुजरेगा, खुशियां पैसा दौलत खैर बरकत, फैमिली वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त कामयाबियां, और शादी जिनकी नहीं हुई उनके लिए खुशखबरियां, खासकर आपका 10वां महीना आपके लिए, घर अगर आप लेना चाहते हैं तो इस साल ज़रूर घर का सोचें, घर के रास्ते, और जिनके शादी के मामलात हैं इस साल शादी करवा लें, और पैसों के मामलात रुके हुए मामलात हो जाएंगे, और जनाब बच्चे अगर आपके हैं तो वो बच्चे आपके बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस देंगे,
तो ये है कार्ड खुशियों वाला, खैर बरकत वाला, कामयाबियों वाला। मेहनत को अपना शौहर बनाएं, अल्लाह की मदद के साथ इस साल को 2024 को ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करें और हमें भी याद रखें। क्या बात है, मैं तो चाहूँगा जिनके बुरे निकल रहे हैं ना एच वालों के, वो आई हम याद रख लें। नहीं, हम जिनके जिनके जो प्रॉब्लम वाले हैं ना, उनके लिए हम रेमेडीज की वीडियोस बनाएंगे ताकि वो उन मुश्किलों से निकल सके जिनके ऊपर वो असर आ रहा है। मैं कहा 2024 तक रख ले, 25 में फिर वापस आ जाए अपने नाम पे। जी ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं जे वाले लोगों की तरफ, जैसे जे डॉट है, जैसे जवेरिया है, मतलब जे से जिनके नेम है, उनका देखते हैं कि 2024 कैसा है। 2024 जे वालों के लिए कैसा रहेगा, तो देखते हैं जी। बड़े नाम है जुनेद जे वालों के लिए। 2024 कार्ड ऑफ द ईयर, 2024 जे वालों के लिए कैसा रहेगा, जे वालों के लिए 2024 एक ही कार्ड की एनर्जी कैसी रहेगी। तो जनाब कार्ड है जबरदस्त और आप लोग माली तौर पे स्ट्रांग नजर आते हैं, माली ताकतें, कामयाबियां। अगर लोग इंडस्ट्रियल लोग हैं तो आपकी जो है इंडस्ट्रियल पावर बढ़ जाएगी, आपके पास दोनों तरह की विल पावर होगी, किसी के साथ भी एग्रीमेंट करेंगे, लिख पढ़ करेंगे, पैसा आपके कदमों में, कामयाबियां आपके कदमों में और खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं, लोग आपके साथ मोहब्बत, तस्खीर खलायक और पहनना ओढ़ना बड़ा ज़बरदस्त, विजन बहुत क्लियर, कामयाबियाँ और सेहत बड़ी ज़बरदस्त, वाक कर रहे हैं आप। और जनाब आप लोग अगर किसी पुलिस के महकमे में हैं, आर्मी के महकमे में हैं, तो कामयाबियाँ, आपका लेवल बढ़ जाएगा, तरक्कियों की तरफ आप जाएंगे। मैं समझता हूँ इस साल को ख़ास कर सातवां महीना आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। तो बाहर जाना चाहता है, ज़रूर जाएँ जी, ज़रूर जाएँ जी, ज़रूर जाएँ, जिस काम में हाथ डालेंगे अल्लाह की मदद होगी, हो जाएगी। 2024 ओवरऑल जे वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब के वाले की भी चेक कर लेते हैं एनर्जी क्या है 2024 की, जैसे काशिप है, किरण है, कायनात है, के वाले लोग भी बहुत है। तो के वालों के लिए 2024 का कार्ड ऑफ द ईयर कैसा रहेगा, 2024 के वालों के लिए कैसा रहेगा, तो देखते हैं जी। के वालों के लिए 2024 कैसा नजर आता है, तो जनाब कमाल जजमेंट कार्ड आ गया जनाब, खुशियां कार्ड, अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड के वालों के लिए। अच्छा, के को न्यूमरोलॉजी से काफ के दो अदद और बड़े जो ये है उसका एक अदद, 2+1=3 बनता। मैंने आपको कहा था कि 3 का हाउस 8 बनता है, 8 बनता है, यानी मैं साथ साथ न्यूमरोलॉजी में भी आपको बताया जा रहा हूँ, बिल्कुल कार्ड और साथ इल्मुल अदाद, ठीक है, ठीक है। अब जब हम इल्मुल अदाद में से 3 देखते हैं, तो 3 को हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो मुश्तरी। अब लोग कहेंगे कि ये कार्ड देख रहे हैं, इन कार्ड में तो कोई भी निकल सकता है, मगर मैं आपको मैचिंग बताया जाता हूँ। अच्छा, मतलब तो मुश्तरी स्टार दौलत, पैसा, खैर बरकत, इस तरह की चीज़ों की तरफ लेकर आता है। तो ये खैर बरकत, खुशियाँ, इक्तदार और क्या बात है। तो मैं आपको देखें, यहाँ पे आप ये समझ रहे होंगे कि हम सिर्फ टैरो कार्ड यूज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी भी देखें, न्यूमरोलॉजी भी। अब क्योंकि मेरी कैलकुलेशन माइंड में ही होती है, मैं स्टार्स की भी माइंड में कैलकुलेशन करता हूँ, इसलिए ऑन द स्पॉट वो चीज़ जो है उसी वक्त बता दी जाती है। तो ये चीज़ को भी और उसको भी देखें, तो 3 का आदत, तो यहाँ पे मार्च का महीना इनके लिए खुशियाँ ला सकता है। अगर शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधना चाहते हैं, तो मौजें लूटें। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। मतलब इन्होंने जो इतिहास वाला तो हम लादा बनाएंगे, क्योंकि बच्चों ने पेपर दिए हमें के से नाम अगर स्टार्ट है, हाँ, तो अच्छे वो भी अच्छे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेंगे। चले हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जिनका नाम एल से स्टार्ट होता है, तो वो लोगों का 2024 कैसा होगा। तो एल वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, कार्ड ऑफ द ईयर एल वालों के लिए 2024। ये तो हम इंग्लिश में करेंगे, उर्दू में किसी का नाम है जैसे, तो हाँ, तो वो भी उसी से ठीक हो गया, उसमें भी वो देखते, हाँ जी, वो देख लेंगे, उर्दू इंग्लिश ही मिक्स है, हाँ जी, ये इंग्लिश नहीं है, ये उर्दू में भी मिक्स है, हाँ चेक करते हैं। तो एल वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, एल वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, ट्रैवल। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना वो देखते हैं एनर्जी दूसरी तरफ, एक और एक, दो और तीन, पांच, पांच का आदत निकलता है, 5 का आदत, 5, और यहाँ पे x5
X5 और दी डेविल, ये लोग नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, खासकर इन लोगों के ऊपर जादू होगा इस साल। अच्छा, जिनका बिजनेस भी एल से स्टार्ट हो रहा है वो भी? बिल्कुल, ये लोग नेगेटिविटी का शिकार होंगे, इनके ऊपर जादू के असरात होंगे और घरेलू माहौल में प्रॉब्लम आएगी, और अगर रिलेशन है तो ये किसी गलत सोहबत में फंस सकते हैं, नशे की नशे में जा सकते हैं, शैतानी असरात नजर आते हैं, आप लोगों के प्रॉब्लम नज़र आती हैं, और कई लोग जो है एल से रिलेटेड जेल में भी जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आपको ये साल एहतियात के साथ गुजारना चाहिए, और लोगों के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें, एहतियात के साथ गुजारें, अपनी एनर्जी को सेव रखें और शैतानी असरात से बचें। ठीक है, तो आपको रेमेडीज़ की वीडियो जब बनेगी वो उसमें आपका आपको इसका हल भी बताएंगे। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं एम की तरफ। एम वाले जो लोग हैं उनका क्या मतलब 2024 का, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एम से जिनका, तो देखते हैं जनाब एम वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो एम वालों के लिए, एम वालों के लिए 2024 की कार्ड ऑफ द ईयर, एम वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। एम वालों के लिए अल्लाह की मदद आएगी। ठीक है, एम वालों के लिए ये साल खासकर पैसों से मुतलका इश्यूज क्रिएट होंगे। अच्छा, आप लोगों को चाहिए फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, आपको लिए माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मीम वाले, मीम को मतलब हम बुर्ज असद स्यारा शम्स की तरफ भी लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हम अगर यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी है तो साथ हम स्टार्स को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है माली तंगी, और ख़ासकर अपने वालदैन का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, और पैसे को संभाल के रखें, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और पैसा अगर होगा तो आप कई जगहों पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और उधार नहीं देना, लोगों पे भरोसा नहीं करना, और अपनी सेहत का ख्याल रखना, वॉक ज़रूर करनी है आपने इस साल, अपनी सेहत को डाउन नहीं होने देना। ठीक हो गया, ये एम वाले लोगों का था, अब चलते हैं एन वाले लोग, उनका मतलब 2024 कैसा रहेगा। तो देखते हैं जी एन वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। इंग्लिश का वर्ड एन, एन वालों के लिए दो नून होगा, जिनका नाम नून और इंग्लिश में एन से, एन वालों के, नहीं हम अलफ बे की भी बना देंगे वीडियो, क्योंकि एन को अगर हम देखें, अलफ ये नून भी लोग लिख लेंगे, अलफ से भी कई लोग कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक, तो हम अलफ बे की भी बना देंगे, ये अभी हम इंग्लिश की बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो अब हम एन से देखते हैं, हाँ जी, नाम स्टार्ट होता है, जिनका नाम एन से स्टार्ट होगा 2024 में, एन वालों के लिए कैसा रहेगा। नासर, नबील, नीलम, नायला, एन वालों के लिए, नसरीन, एन वालों के लिए 2024 का कार्ड ऑफ द ईयर, एन वालों के लिए 2024 का कार्ड कैसा रहेगा। खासकर तुलबा तालबात के लिए बड़ी ज़बरदस्त मदद एन वालों के लिए, और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, जनवरी से ही आपको पता चल जाएगा एन वालों के लिए कि आपके हालात खुल रहे हैं, कामयाबियां मिल रही हैं, वीएन क्लियर है। जो लोग साइंस से रिलेटेड हैं, जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, तालीमी मैदान में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। दी मजिशंस, आप जो चाहें आप कर सकते हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ है, कामयाबियाँ आपकी दहलीज पर, और आप जिस काम में हाथ डालेंगे अल्लाह ताला आपको वो जादू की छड़ी अता करेंगे जिससे आप कामयाबियाँ समेट सकते हैं। ओ वाले जो, जिनका नाम ओ से स्टार्ट होता है, उमर है, कोई लोग उसामा को ओ से लिखते हैं, कोई यू से भी लिखते हैं, लेकिन ओ वाले जो लिखते हैं नाम जिससे, तो उनका चेक करते हैं कि उनका 2024 कैसे। बिल्कुल जनाब, और ये एक एनर्जी है, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की कम्बिनेशन से हम जो है वीडियोस कर रहे हैं। आगाज़ हम टैरो कार्ड से करते हैं, मगर बाकी एनर्जीज को भी हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं जी ओ वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो जिनका नाम का पहला लफ्ज ओ से शुरू होता है, तो ओ वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो ओ वालों के लिए 2024 का कार्ड ऑफ द ईयर्स कैसा रहेगा। तो जनाब विक्ट्री, कामयाबी आप लोगों का इस पूरे साल में मुकद्दर। आप लोग जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं अल्लाह आपके मददगार होंगे। क्वीन ऑफ कप्स निकला जी, क्वीन ऑफ कप्स,
और मेल फीमेल दोनों इसमें आ जाएंगे ना, ज्यादा फीमेल के लिए फायदा है, फीमेल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनकी शादी के इश्यूज हैं, जिनके पैसे के इश्यूज हैं, जिनकी जॉब के इश्यूज हैं, जिनकी औलाद के इश्यूज हैं, तमाम मामलात में बड़ी जबरदस्त किस्म की मदद होगी। इस साल आप फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें, इस साल आप लोग अपने घर का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, इस साल आप कपड़ों के ऊपर तवज्जो दे सकते हैं, वाइट कलर का इस्तेमाल, इस साल आप वाइट कलर का सदका दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये साल आपके लिए काफी कामयाबियां ला रहा है, लेकिन आप लोग अपने ज़हन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से बचें। ये कार्ड मैं चाहूंगा दिखा दें जी, ये कार्ड है ओ वाले लोगों का, ओ वाले लोग स्टार्ट ओ से होता है, ओ से शुरू। अब हम चलते हैं पी वाले लोगों की तरफ और देखते हैं कि उनका जो पी से नाम स्टार्ट होता है, पाशा भी है, परवीन है, परवेज है, उनका 2024 कैसा? 2024 मेल फीमेल दोनों, हाँ जी, 2024 पी वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, जिनका नाम का पहला लफ्ज इंग्लिश के पी से शुरू होता है, 2024 में कार्ड ऑफ द ईयर कैसा नजर आता है जनाब? पी वालों के लिए 2024 कैसा नजर आता है? आप लोग इस साल बहुत बड़े बड़े सॉलिड किस्म के फैसले करेंगे, आपकी रूहानियत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आती है, आपके वालदैन आपका साथ देंगे, आप जानवरों से इस साल मोहब्बत करेंगे, और अगर आप रूहानी तरक्की चाहते हैं तो जानवरों को आप खासकर कुत्ता, जो कुत्ते मखलूक है, उसको अगर आप रोटी या खाना देंगे बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे, घर चेंज कर सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, माली तंगी दूर हो सकती है, और फैमिली से मुतलका बड़ी ज़बरदस्त मदद है। कुछ नेगेटिविटी आपके हासदीन से आएगी, मगर वो भी आप कंट्रोल कर लेंगे, ख़ासकर आप लोगों के जो रुके हुए काम हैं वो होंगे, और घरेलू खुराक, घरेलू खाने इस्तेमाल करेंगे, बाहर के खानों से परहेज़ करेंगे, और कपड़ों का अच्छे से अच्छे कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। मैं समझता हूँ ये साल आपकी बुज़ुर्गी, आपकी रूहानियत और आपके मामलात में बड़ी कामयाबियाँ ला। क्या बात है, पी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है ये। अब चलते हैं क्यू वाले लोगों की तरफ और उनका 2024, जिनका नाम क्यू से शुरू होता है, उनका कैसा रहेगा? चाहे आप गोरे हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप बांग्लादेशी हैं, चाहे आप इंडिया से देख रहे हैं, क्यों उसे जिसका नाम स्टार्ट है उसका क्या होगा? जिनका नाम इंग्लिश के लफ्ज़ क्यू से शुरू होगा, तो क्यू वालों के लिए 2024 कैसा नजर आता है? जिनका नाम क्यू से शुरू होगा, कार्ड ऑफ द ईयर क्यू वालों के लिए कैसा नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, कैसा रहेगा क्यू वालों के लिए? वन कार्ड एनर्जी दौड़ दौड़ कार्ड है। क्यों वालों को इस साल पैसों से मुतलका इश्यूज पेश आ सकते हैं, आप लोग अपने पैसे की हिफाजत करें, लोगों को उधार ना दें, लोगों को जो है भरोसा ना करें, और पैसे देने के बाद लेने मुश्किल हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और इंसाफ करें लोगों के साथ, अगर कोई आप के पास जॉब करता है तो उसको उसकी उजरत वक्त पर दें, और अगर माली तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सदका करें, खैरात करें, तो मदद आपके साथ आएगी, और ख़ासकर आपके लिए जून के महीने में कामयाबियों के रास्ते खुलेंगे। जून का महीना आपके लिए माली तौर पे कामयाबियां लेकर आएगा, तो 50-50, मगर इसको बेहतर कर सकते हैं आप मनसूबाबंदी करके और प्लानिंग करके। क्या बात है, ज़बरदस्त यहाँ पे दाऊजी दाऊद की आप रीडिंग नाज़रीन देख रहे हैं। अब हम चलते हैं आर वालों की तरफ, जिनका नाम आर से स्टार्ट होता है, जैसे राबिया है, रामिश है, रिमशा है, इसका कई नेम है, आर से जिनका स्टार्ट होता है, इंडिया से राहुल है, तो उनका कैसा रहेगा 2024 आर वालों के लिए कार्ड ऑफ द ईयर 2024 आर वालों के लिए कैसा रहेगा? तो जनाब आर वाले उदास, मायूस, नेगेटिविटी का शिकार नजर आते हैं, आपकी सोचें ही आपके कामों में रुकावट बनेगी, आप लोग नेगेटिविटी का शिकार ना हो, परेशान ना हो, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए, शादीशुदा ख़वातीन के लिए
ये साल नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, परेशानी लेकर आ रहा है। बेसिकली ये परेशानी आपके अपने, आपके मुखलस, आपके रस्तों में रोड़े अटकाएंगे और आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इर्द गिर्द के लोगों से बाखबर रहिएगा, और जो लोग जिनके ऊपर आप भरोसा करके बैठे हैं वही लोग आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं, एहतियात कीजिएगा। ठीक है जी, एहतियात वाला है आर वालों के लिए, खासतौर पे फीमेल। अब हम चलते हैं एस की तरफ। एस वाले तो बहुत सारे नाम हैं, शुमाइला, सकलैन, सुंबल, पता नहीं कितने नेम्स हैं एस से। तो एस वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? 2024 एस वालों के लिए क्या कार्ड ऑफ द ईयर? एस वालों के लिए 2024 कार्ड ऑफ द ईयर कैसा नजर आता है? एस वाले माली तंगी का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोई ऐसा गलत फैसला ना कर लीजिएगा जिसकी वजह से आपके पैसे फंस जाएं। यानी आपने इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पे नहीं करनी, कहीं पैसे लगाने नहीं हैं, बल्कि आपने जो काम, जो बिजनेस करना है अपने ही इख्तियार में रख के करना है। लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना, किसी को पैसे दे दिए कि मेरा काम कर ले, मेरा बिजनेस कर दे, तो वो नहीं करेगा, वो आपको कमा के नहीं देगा, वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। आपका अपना विजन बहुत स्ट्रांग है, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं, अपने ऊपर बिलीव करें, लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना। बच्चों के मामलात कैसे रहेंगे? देखें अखराजात हैं इनके ऊपर, अखराजात बढ़ेंगे और अखराजात की वजह से इनको माली तंगी का सामना करना है। 2024 में इनको चाहिए कि, हाँ जी, इनको चाहिए कि प्लानिंग करें, अपने माली मामलात को प्लानिंग के साथ हल करें। ठीक हो गया, प्लानिंग के साथ हल करें थोड़ा डिफिकल्ट है 2024 एस वालों के लिए। टी की तरफ चलते हैं, जिनका नाम तौकीर है, जैसे टीपू है, टी से जितने भी नेम्स हैं उनका देखते हैं 2024 कैसा है और एहतियात क्या करनी है। टी वालों के लिए 2024 कार्ड ऑफ द ईयर, टी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? जिनका लफ्ज नाम का आगाज टी से शुरू होता है, टी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? लफ्ज टी वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? तो टी वालों के लिए विक्ट्री, कामयाबी। मैं समझता हूँ कि कुदरत की देवी आपके साथ मेहरबान नजर आती है, आपको जिंदगी में अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा इस साल। अगर लोग जो हज, उम्रा, किसी रूहानी ज़ियारत की तरफ जाना चाहते हैं, उनके रास्ते खुलेंगे, रूहानियत बढ़ जाएगी और घर मिलने के चांसेस हैं, वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, गायबी मदद नज़र आ रही है, पैसा नज़र आ रहा है, बड़ा काम नज़र आ रहा है, कारोबार में तरक्की नज़र आ रही है। तो जो आपकी दिल की ख्वाहिशें हैं वो अल्लाह ताला 2024 में इंशाल्लाह पूरी कर देंगे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। टी वाले लोग भी बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। अब चलते हैं यू की तरफ, यू से जिनका नाम स्टार्ट होता है, तो उनके क्या हालात हैं 2024 में? 2024 दोनों का जी, जिनका नाम स्टार्ट यू से हो रहा है, जिनका नाम यू से शुरू हो रहा है, कार्ड ऑफ द ईयर 2024 यू वालों के लिए, कार्ड ऑफ द ईयर यू वालों के लिए कैसा रहेगा? तो देखते हैं यू वालों के लिए 2024 कार्ड ऑफ द ईयर कैसा नजर आता है। तो जनाब एहतियात करनी है, बिल्कुल ऐसी एहतियात। ये कार्ड है रुकावटों का, बंदिश का, रूहानी मसलों का, टेंशन का। आप लोग जो है नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। आपको इस साल अगर कहीं भी एहसास हो कि आपके काम रुक रहे हैं, तो किसी रूहानी मालिश से राबता करना है, ठीक है, क्योंकि इस साल आपके ऊपर जादू का असर बहुत हो सकता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपको बाज़ मामलात से मुतलका, खासकर अगस्त के महीने में समझ नहीं लगेगी कि हमने क्या फैसले करने हैं, किस तरफ जाना है और हमारी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इस साल आपकी सेहत प्रॉब्लम, टेंशन, लोग आपको तंग कर सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन एहतियात ज़रूर करिएगा। ठीक हो गया, यू वाले लोग भी एहतियात करें। अब वी के नाम से जिनका स्टार्ट होता है नेम, उनका चेक करते हैं कि 2024 वी वाले लोगों के लिए कैसा है। तो वी वाले लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा? 2024 कार्ड ऑफ द ईयर वी वालों के लिए 2024 का कार्ड कैसा नज़र आता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
वी वालों के लिए 2024 का कार्ड ऑफ ईयर कैसा रहेगा, वी वालों के लिए 2024 का कार्ड कैसा रहेगा। सारा साल आप काम करेंगे, कामों में मसरूफ नजर आते हैं, एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, पैसे आएंगे। अच्छा, जितनी मेहनत करेंगे उसका रिवार्ड मिलेगा। आपको कुदरत आपका रिवार्ड नहीं रखेगी, ठीक है, आपको आपकी मेहनत का समर मिलेगा। काम कर रहे हैं आप, मसरूफ हर महीने आप अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी एक्टिविटीज़। अच्छा, जितना अपने आप को मसरूफ रखेंगे उतनी ही माली मदद, उतने ही पैसे, उतनी ही रूहानियत, उतने ही जो है घरेलू माहौल में मोहब्बत, और घर बना सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और उनके लिए कमाल का ये साल नज़र आता है, कमाल की मदद नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ ये साल आपके लिए मसरूफ तरीन साल है। क्या बात है, वी वाले लोग जो है ज़बरदस्त साल है आप लोगों का, मसरूफ रहेंगे। अब चलते हैं डब्ल्यू की तरफ, जिनका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, वहाज, वलीद, और भी फीमेल्स के नाम जो डब्ल्यू से होंगे, उनका चेक करते हैं कैसा रहेगा। तो देखते हैं जी डब्ल्यू वालों के लिए 2024 कैसा नजर आता है। डब्ल्यू वालों के लिए 2024 कैसा नजर आता है, कार्ड ऑफ द ईयर। डब्ल्यू वालों के लिए 2024 कार्ड ऑफ द ईयर कैसा नजर आता है, तो जनाब आप लोग 2024 में बहुत मसरूफ, कामों में मदद, सखावत, सखी, हालात में बेहतरी, कामयाबी, अचीवमेंट, दौलत, घरेलू कामयाबियां, नए घर की तब्दीली, माली तंगी दूर होना, और सेहत, वाक, सारी चीज़ें। आप लोग सिर्फ हिम्मत करें, डट जाएं, और कमाल की मदद पाएं इस साल। क्या बात है जी, डब्ल्यू वाले लोगों की तो मुझे हो गई। अब चलते हैं एक्स वाले लोग, कि एक्स से जिनका नाम स्टार्ट होता है उनका 2024 कैसा, एक्स वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो देखते हैं जी एक्स वालों के लिए कार्ड ऑफ द ईयर, तो एक्स वालों के लिए 2024 का कार्ड कैसा नज़र आता है, तो जनाब वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैगाम, बड़े बड़े पैगाम आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी खबरें, पैसे की खबरें, कारोबारी खबरें, रूहानी खबरें, और सफ़र, गाड़ी मिल जाएगी आपको, गाड़ी का इशू, मसला, सवारी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, जिनके पास सवारी नहीं है सवारी मिलेगी, खबरें मिलेंगी, रूहानियत बढ़ेगी, और सोशल मीडिया से मुतलक जो लोग होंगे उनको कामयाबियां मिलेंगी, टीवी से, रिलेशन से, प्लस ये कि जिनके रिश्ते नहीं हुए उनको खबर मिलेगी, मोबाइल हैवी किस्म का, और पूरा साल आप कम्युनिकेशन, रबते कर रहे हैं, रिश्तेदारों से रबते बढ़ जाएंगे, लोगों से रबते बढ़ जाएंगे, अखलाक बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, अपनी हिफाजत करेंगे और अपनी सेफ्टी में रहेंगे, अपने तमाम मामला बड़े प्रोटेक्शन तरीके से करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त है जी। अब हम चलते हैं वाई वाले लोग जो हैं उनकी तरफ, और देखते हैं उनका 2024 कैसा है। तो वाई वालों के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा, कार्ड ऑफ द ईयर। वाई वालों के लिए 2024 कार्ड ऑफ द ईयर कैसा रहेगा, वाई वालों के लिए 2024 कार्ड ऑफ द ईयर, एक ही कार्ड से एनर्जी, देखते हैं कैसा रहेगा वाई वालों के लिए 2024 का कार्ड ऑफ द ईयर कैसा रहेगा। एहतियात करनी है, बिल्कुल एहतियात करनी है। आप लोग नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, हासदीन आपके घेरा तंग करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, आपको माली तंगी का सामना करने के लिए जो है लोग फंसाएंगे। आपने बच के रहना है, सोच समझ के फैसले करने हैं, और किसी रूहानी मौले से भी रابطہ करना है। जैसे ही समझें कि काम रुक रहे हैं, तो समझें कि किसी ने आपके ऊपर मैजिक का असर कर दिया। यानी कि ये वाई वालों के लिए टफ है 2024 जी। अब हम चलते हैं जेड वाले लोग, जिनका नाम जेड से स्टार्ट होता है, जैसे जैनब है, जुहेब है, मतलब इनका जो नाम जेड से स्टार्ट होता है, उनके लिए 2024 कैसा। जेड वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, कार्ड ऑफ द ईयर। जेड वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, तो जनाब जेड वालों के लिए 2024 कैसा नजर आता है, तो
बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, कामयाबियों का बोझ, बहुत मसरूफ नजर आते हैं आप इस साल। सेहत का ख्याल रखिएगा, इतनी जिम्मेदारियां ना लीजिएगा कि सेहत ख़राब हो जाए, लेकिन पूरा साल मसरूफ, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा और अखराजात बढ़ जाएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, मसरूफियत बढ़ जाएगी, वक्त नहीं होगा किसी को देने के लिए, और अखराजात के साथ साथ घरेलू मामलों में भी प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। जिन्होंने बाहर जाना है जेड से जो लोग हैं तो जरूर जाएं जी आप, बल्कि पूरा साल मसरूफ नजर आते हैं। डॉक्टर हजरात अगर जेड से हैं जरूर सारा साल काम, जिम्मेदारियों का प्रेशर है, पैसा कमाएंगे जिम्मेदारियां, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा दाऊद भाई, ये जो हमने टॉपिक किया है ये लोगों के नाम से किया है कि जो बिजनेस जिनके नाम से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं, ये हमने लोगों के नाम से किया है, ये बिजनेस वाला नहीं है। ये ओवरऑल हर काम में उनको इसी तरह की एनर्जी मिलेगी, चाहे बिजनेस है, चाहे शादी है, चाहे रिलेशन है, जिनके नाम का लफ्ज शुरू होगा उनको इस ही एनर्जी और इस ही फीलिंग्स का सामना करना पड़ेगा। बल्कि जो जो नाम वाले अल्फाबेट हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं मेरा नाम ये है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं या हो रही है, ताकि अगर ऐसा नहीं हो रहा तब भी बताएं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले आपका, ताकि हम आपको रेमेडी भी दाऊजी दाऊद से लेके बताएं, क्योंकि ये रूहानी इलाज बहुत अच्छा करते हैं। जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वो दाऊजी दाऊद का नंबर है।